गाइस आप लोगों का स्वागत है प्रभाव जीवन एंड फिटर फॉर्मूला चैनल में। मैं हूं अनुपम। आप लोगों को बताने जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लाइन में काम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी का जरूरत है। एक आदमी को काम करने के लिए पहले सबसे पहले सेफ्टी का जरूरत होता है कि उसको हेल्थ होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है कि अपना प्रॉपर अपने लिए कि एक गॉगल्स होना चाहिए, सेफ्टी सूट होना चाहिए, एक जैकेट होना चाहिए और हेलमेट होना चाहिए। ये सब अपना होना चाहिए काम करने के लिए। तो इसके बाद आ रहा है कि आप मान के चलो जिधर काम कर रहे हैं, तो आप जिधर काम करेगा उधर सबसे पहले कि आपका नीड एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपके चलो कि ऊपर आप हाइट पे काम कर रहे हैं और नीचे खुला हुआ है रास्ता है, तो उसके लिए सबसे फास्ट आपको बैरिकेड करना जरूरी होता है। उसके बाद आ रहा है कि आप मान के चलो कि कोई हाइट पे अगर इजेक्शन कर रहा है कुछ, मान के चलो पाइप और स्टील टील जो भी आप इजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जितना कैपेसिटी का अपना ये मेटल है कि पाइप है और स्टील है, उतना कैपेसिटी का आपका अपना बेल्ट लगाना जरूरी होता है। और वो बेल्ट प्रॉपर है कि नहीं आपको सबसे पहले वो चेक करना जरूरी होता है। और ये चीज है कि आप जिधर इजेक्शन कर रहे हैं उधर आपको वेरिफिकेशन होना चाहिए। पाइप शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग, चार आदमी मिलकर पाइप शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो एक पाइप शिफ्ट करने का एक तरीका होता है कि आप मान के चलो कंधा पे पाइप लेके जा रहे हैं, तो अगर कंधा पे पाइप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर पेड जरूरी होता है। हाँ, तो आपको मान के चलो कि शोल्डर पेड मिल गया, आप लोग लेके जा रहे हैं, तो उसका एक तरीका होता है कि हम लोग कैसे लेके जाए कंधे पे। तो आप कंधा पे अगर पाइप लेके जा रहा है कि दो आदमी एक साइड पे है, दो आदमी और एक साइड पे है, कि तीन आदमी एक साइड पे है और दो आदमी और एक साइड पे, तो ऐसा गलत है। मान के चलो कि एक आदमी का वजह से चोट तीनों आदमी का आ सकते हैं, कि मान के चलो किसी का अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो गया, चक्कर टक्कर आ गया, वो गिर गया, तो उसके लिए चारों को अगर प्रॉब्लम हो जाए, वो पाइप गिर जाएगा चारों को। कि अगर आप पाइप शिफ्ट कर रहे हैं, शोल्डर पेड मिल गया, शोल्डर पेड आप लगा लिया, तो अगर पाइप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप चारों को एक साइड पे होना जरूरी है। मान के चलो हम पाइप लेके जा रहे हैं तो राइट साइड पे कांधा पे लेगा तो चारों राइट साइड पे कांधा पे लेना जरूरी होता है, अगर लेफ्ट साइड पे ले रहे तो चारों को लेफ्ट साइड पे लेना जरूरी होता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए ऐसा ही काम करो, आप लोग सेफ रहे। और एक चीज़ है कि मान के चलो कि इधर आग लग गया, छोटा मोटा आग लग गया, आप देख रहे हैं कि आग लग गया और जिधर आप काम कर रहे हो उधर फायर बटला होगा, तो आप खुद से उसको यूज करके बंद कर सकते हो। मान के चलो आप प्लांट में काम कर रहे हो, तो प्लांट में काम कर रहे तो कुछ हादसा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको तीन बार हॉर्न बजाया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि वो जब हॉर्न बज गया तो आप काम बंद कर दीजिए। तो आप काम बंद करके आप असेंबली पॉइंट होता है तो आप उधर आ जाइए। और एक चीज़ है कि मेन चीज़ ये है कि मान के चलो आपका टीम है कि चार पाँच, मान के चलो कि आप काम कर रहे हैं, आपका टीम पे चार आदमी हो, पांच आदमी हो, तीन आदमी जो भी है, जो मेन है आपको उतना ध्यान रखना जरूरी होता है। सेफ्टी है, लेकिन सेफ्टी सबके लिए है सेफ्टी, लेकिन प्रॉपर सबको जिम्मेदारी रखना चाहिए कि सेफ्टी में काम करना है। मान के चलो हम तो सेफ्टी में है, दूसरा कोई बंदा अनसेफ्टी में काम कर रहा है, तो हम उसको बताना जरूरी होता है कि भाई आप अनसेफ्टी में काम कर रहे हैं, ऐसा होता है भाई सेफ्टी में, ऐसा आप ध्यान। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।